स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमारा आज का पार्टनरशिप का अगला नेक्स्ट प्रैक्टिकल पार्ट है बंद खातों में समायोजन। एक्चुअली ये है क्या, उसके ऊपर दो मिनट चर्चा करते हैं। बंद खातों में समायोजन का क्या मतलब है? जब लेखा वर्ष के अंत में कोई पार्टनर किसी प्रविष्टि का लेखा करना भूल जाता है या गलत लेखा कर देता है तो वित्तीय वर्ष के अंत में उसके समायोजन की आवश्यकता रहती है। लेखा गलत कर देना, लेखा करने से भूल जाना, ये दोनों ही स्थितियों में वित्तीय वर्ष के अंत में लेखा पुस्तकों में समायोजन की आवश्यकता रहती है। फॉर एग्जाम्पल, किन किन परिस्थितियों में हमें बंद खातों में समायोजन करना पड़ता है चर्चा करते हैं। जैसे किसी पार्टनर को वेतन देना भूल गए, किसी पार्टनर को वेतन देना भूल गए। सेकंड पॉइंट, पूंजी पर या आहरण पर, पूंजी पर या आहरण पर ब्याज का लेखा करना भूल गए, पूंजी पर या आहरण पर ब्याज का लेखा करना भूल गए। या किसी पार्टनर को वेतन, बोनस, कमीशन आदि देना भूल गए। तो इन परिस्थितियों में यदि हम किसी चीज का लेखा करना भूल जाते हैं तो हम लेखा पुस्तकों में सुधार करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं जिसे हम बोलते हैं बंद खातों में समायोजन। लेखा पुस्तकें 31 मार्च जिसे हम वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन बोलते हैं, बंद होने के बाद उसमें काट छांट करना या पुनः लिखना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में इस टूल्स का प्रयोग करते हैं बंद खातों में समायोजन। इसकी हमारी पुस्तकों में दो विधियां हैं, पहली विधि है एक जर्नल प्रविष्टि के द्वारा समायोजन। और दूसरी इंपॉर्टेंट विधि है समायोजन प्रविष्टि द्वारा सुधार। तो स्टूडेंट्स दिमाग में रखें कब पहली विधि का प्रयोग करना है और कब दूसरी विधि का प्रयोग करना है। जब प्रश्न में पर्टिकुलर आपको लिखा हुआ मिले कि निम्न अशुद्धियों का एक जनरल प्रविष्टि द्वारा सुधार कीजिए तो पहली विधि काम लेंगे। और इस विधि को सोल्व करने के लिए हम एक एनालिस्ट टेबल का प्रयोग करेंगे और इस एनालिस्ट टेबल से संपूर्ण अशुद्धियां मात्र एक जनरल प्रविष्टि में सुधर जाएगी। और जब प्रश्न में लिखा हुआ मिले कि समायोजन प्रविष्टियों द्वारा अशुद्धियों का सुधार कीजिए तो ऐसी स्थिति में हम पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट की मदद से अशुद्धियों का सुधार करेंगे। इस प्रकार की प्रविष्टियों को सुधारते वक्त पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट की मदद ली जाएगी। ध्यान रखें हमारे चैप्टर में पहले एक पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वर्ड आया और अभी ये पी एंड एल एडजस्टमेंट वर्ड है। तो अप्रोप्रिएशन लाभों को बांटने के लिए होता है और पी एंड एल एडजस्टमेंट अशुद्धियों को सुधारने के लिए होता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि एनालिस्ट टेबल कैसे बनती है, उसकी चर्चा डीपली से करते हैं। पहले पहली विधि से प्रश्न को सोल्व करते हैं, फिर दूसरी विधि से करेंगे। दोनों का रिजल्ट एक ही है, आंसर एक ही आता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा पहली विधि मेथड नंबर फर्स्ट, इसका नाम है एक जनरल प्रविष्टि द्वारा अशुद्धियों का सुधार। पुनः एक बार चर्चा करते हैं कि हमारे को पता कैसा चलेगा कि विधि पहली है या दूसरी है। यदि प्रश्न में नीचे स्पष्ट लिखा हुआ हो कि उपरोक्त अशुद्धियों का एक जनरल प्रविष्टि द्वारा सुधार कीजिए तो ऐसी स्थिति में ये पहली विधि है। और हमेशा दिमाग में रखें इस विधि से प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें एक
एनालिस्ट टेबल का प्रयोग करना पड़ेगा। और अशुद्धियां क्या क्या है, प्रश्न हमारा ये है, ए और बी 3:2 में पार्टनर है, ए की पूंजी 30,000 रुपए और बी की पूंजी 20,000 रुपए थी। समाप्त वर्ष के लिए निम्न व्यवहारों का लेखा करना भूल गए, कृपया 31 मार्च को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त अशुद्धियों का सुधार एक जनरल प्रविष्टि द्वारा कीजिए। यह हमारा प्रश्न है। और बातें क्या क्या भूल गए, पूंजी पर 10% ब्याज का लेखा करना भूल गए, ये इनकी पूंजी है 30,000 और 20,000, इन पर 10% ब्याज लगाना भूल गए, ए को 500 रुपए मासिक वेतन देना भूल गए, और ए और बी के आरएम पर क्रमशः 600 रुपए और 400 रुपए ब्याज का लेखा करना भूल गए। तो हम इस बात से निश्चिंत है कि हमें पहली विधि की मदद से अशुद्धियों का सुधार करना है। इसके फाइनल आंसर में मात्र एक जनरल प्रविष्टि उभर कर सामने आएगी। तो एनालिस्ट टेबल बनाते हैं, बहुत कॉमन और सिंपल है एनालिस्ट टेबल। ये पर्टिकुलर्स विवरण, ये जितने पार्टनर है उतने कॉलम, ए ए का डेबिट और ये क्रेडिट, ये बी का डेबिट पक्ष और ये बी का क्रेडिट पक्ष, और अंत में सबसे लास्ट में फर्म का डेबिट और क्रेडिट, और इधर जनरल एंट्री आ जाएगी। ओके, सबसे पहले यहाँ पर अपनी पहली अशुद्धि नोट करें। पहली अशुद्धि का नाम है पूंजी पर 10% ब्याज का लेखा करना भूल गए। तो पर्टिकुलर में लिखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यदि किसी पार्टनर को अब हम पूंजी पर ब्याज देंगे तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा और फर्म को नुकसान होगा। जब किसी पार्टनर को प्रॉफिट होता है तो हम पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, और जब पार्टनर को नुकसान होता है तो हम पार्टनर को डेबिट करते हैं। तो यदि किसी पार्टनर को प्रॉफिट हो तो आप क्रेडिट कर दें, और जब पार्टनर क्रेडिट होंगे तो फर्म डेबिट होगा, फर्म को नुकसान होगा, और जब पार्टनर क्रेडिट होगा तो फर्म डेबिट होगा, और पार्टनर डेबिट होगा तो फर्म क्रेडिट होगी। चलिए ट्रीटमेंट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पूंजी पर 10% ब्याज, सबसे पहले ए को चेक करते हैं, ए की पूंजी थी 30,000, 30,000 पर 10% ब्याज होता है 3,000। यदि ए को हम अब 3,000 पे ब्याज देंगे तो ए को प्रॉफिट होगा, तो हमने इसको क्रेडिट में लिख दिया। बी की पूंजी 20,000 रुपए थी जिस पर ब्याज देना भूल गए, तो अब हम 20,000 पर ब्याज देंगे तो 10% की दर से ब्याज बनता है 2,000, तो बी को प्रॉफिट होगा, बी के 2,000 रुपए क्रेडिट कर दिए। ये 3,000 और 2,000 कुल मिलाकर फर्म को 5,000 रुपए नुकसान हो गया। फर्म को नुकसान कैसे हुआ, जब दोनों को ब्याज देंगे तो फर्म को हानि होगी, तो फर्म के डेबिट में लिखेंगे। चलिए दूसरी अशुद्धि सुधारते हैं। पहली हो गई ए को 500 रुपए मासिक वेतन देना भूल गए। यहाँ दिमाग में रखें 500 रुपए मासिक है और हम पूरे वर्ष का काम कर रहे हैं, तो इसको 12 से गुना करना पड़ेगा, तो ईयरली पेमेंट आ जाएगा इसका 6,000 रुपए। तो यहाँ लिखते हैं हम सैलरी टू ए, इसका ट्रीटमेंट केवल ए के कॉलम ही करें, मिस्टेक केवल ए के साथ हुई है। 500 × 12 करते हैं तो ए को फायदा होगा, ए को 6,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे और बी में कोई समायोजन नहीं, और जब ए को 6,000 रुपए वेतन देंगे तो फर्म को नुकसान होगा और फर्म के 6,000 रुपए डेबिट कर देंगे। थर्ड कैटेगरी में ए और बी के आरण पर क्रमशः 600 रुपए और 400 रुपए ब्याज का लेखा करना भूल गए। आरएम पर ब्याज फर्म के लिए प्रॉफिट होता है और पार्टनर के लिए लॉस होता है, तो इसका लेखा हम पार्टनर के डेबिट में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रत्येक पार्टनर को नुकसान होगा, आपको ब्याज की राशि दे रखी है, जरूरत पड़ने पर काउंटिंग भी की जा सकती है। तो 600 रुपए इसको नुकसान हुआ इसके डेबिट में, 400 रुपए इसको नुकसान हुआ इसके डेबिट में, और दोनों को नुकसान होने से फर्म को प्रॉफिट हो गया, तो फर्म के 1,000 रुपए क्रेडिट में। ये एक साधारण सी एनालिस्ट टेबल तैयार हुई है, अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमें इसी टेबल की मदद से एक एंट्री निकालनी होगी। चलिए कैसे निकलती है देखते हैं। ये लाइन डाल दी मैंने एक बार, इसका योग लगाएं 11,000 है, जबकि इधर 1,000 है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अशुद्धियों को सुधार करते वक्त फर्म को कुल 11,000 का नुकसान हुआ,
और 1,000 का प्रॉफिट हुआ तो नेट लॉस 10,000 का हुआ, इधर भी 11,000 लिख देवे, वापस ध्यान देवे। एक बार डेबिट की टोटल को डेबिट में रख दिया और यही टोटल यहाँ रहनी चाहिए, और 1,000 रुपये ऑलरेडी क्रेडिट है तो फर्म को 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। ये 10,000 यहाँ नोट कर दिए क्योंकि दोनों पक्षों का योग मिलाना है। अब इस 10,000 के लॉस को पार्टनर बैन करते हैं, फर्म के लॉस को प्रॉफिट को या लॉस को पार्टनर ही बैन करते हैं, तो यहाँ फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ध्यान देवे। 10,000 रुपये है हमारे पार्टनर का अनुपात है 3:2, तो 10,000 रुपये को 3:2 में वितरित करने पर 6,000 रुपये और 4,000 रुपये आएगा, ये पार्टनर के डेबिट कर देंगे। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा डेबिट क्यों किया, लॉस को जब बैन करेंगे तो पार्टनर को नुकसान होगा और नुकसान की स्थिति में पार्टनर को डेबिट किया जाएगा। 6,000 रुपये ए को डेबिट और 4,000 रुपये बी को डेबिट, और धीरे धीरे दोनों डेबिट होते हैं तो फर्म क्रेडिट होती है। क्लियर है ये काम, तो क्लियर हो गया। अब इन ए और बी को देखते हैं आराम से ध्यान देवे, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। योग लगाएं, एक एक जिसका जितना योग है वो एक बार लगा दे। इसका योग आ रहा है 9,000, इसका योग आ रहा है 6,600, इसका योग आ रहा है 4,400, इसका योग आ रहा है 2,000। अब ध्यान देवे, जिसकी टोटल ज्यादा है डेबिट की है तो डेबिट या क्रेडिट की है तो क्रेडिट, उसके नीचे डिफरेंस को लिखे। कैसे लिखते हैं, ये 9,000 रुपए, ये 6,600 है तो इसमें क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, ये डेबिट से कितनी ज्यादा है, 6,600 से 9,000 कितने ज्यादा होते हैं, 2,400 रुपए, तो यहाँ 2,400 रुपए और यह मैंने लिख दिया क्रेडिट। इसके डेबिट में 4,400 रुपए, इधर 2,000 ही है तो डेबिट का योग ज्यादा हुआ, कितने रुपए ज्यादा है, 2,400 रुपए डेबिट में ज्यादा है, ये 2,400 रुपए डेबिट में लिख दिए। अच्छा, इसकी जांच करने का एक और तरीका है, ये क्रेडिट आ रहे हैं और ये 2,400 रुपए डेबिट आ रहे हैं तो दोनों का योग मिला करके बराबर आ रहा है, अर्थात एंट्री को काट रही है, पार्टनर पार्टनर से कट रहा है, एडजस्ट हो रहा है, ये 2,400 डेबिट, ये 2,400 क्रेडिट, तो हमारी फाइनल एंट्री क्या होगी, एंट्री में बी डेबिट हो रहा है और ए क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहाँ एंट्री कर देंगे बीच कैपिटल अकाउंट डीआर टू एच कैपिटल अकाउंट 2,400 रुपए, ये 2,400, ये भी 2,400। ये ध्यान रखे, यदि प्रश्न में आपको ये लिखा हुआ मिलता है कि ये मानते हुए एक जनरल प्रविष्टि कीजिए कि अगले वर्ष में हमारे पूंजी खाते स्थिर रखे जाते हैं, तो स्थिर पूंजी खाते रखने पर समस्त प्रकार के परिवर्तन पार्टनर करंट में होते हैं, तो यहाँ पर बीच कैपिटल की जगह वर्ड यूज करेंगे बीच करंट अकाउंट या टू एज करंट अकाउंट, ये 2,400 रुपए, ये 2,400 रुपए। ओके, डन डन। तो स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये पहली विधि आपको आराम से समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी विधि से इसको सोल्व करते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, ये सेम ही उत्तर आएगा बट तरीका चेंज है, ये एनालिस्ट टेबल है, अभी हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अब हमारा वापस यही क्वेश्चन है और इसे विधि नंबर सेकंड से हल करते हैं। विधि नंबर सेकंड है, एक जनरल प्रविष्टि के द्वारा उसके स्थान पर समायोजन प्रविष्टियों के द्वारा अशुद्धियों का सुधार, समायोजन प्रविष्टियों के द्वारा अशुद्धियों का सुधार। ऐसी स्थिति में हम अशुद्धि सुधार के लिए पीएनएल एडजस्टमेंट की मदद लेते हैं, इसे ध्यान रखें, पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पीएनएल एडजस्टमेंट दो अलग अलग टूल है। अप्रोप्रिएशन लाभों को बांटने के लिए होता है, एडजस्टमेंट लाभों को सुधारने के लिए होता है, और जनरल एंट्री का रूल क्या है ये ध्यान दें, रूल ऑफ जनरल एंट्री, हानि होने पर अशुद्धि सुधार में फर्म को हानि होने पर पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट होगा। अशुद्धि नोट कर ले, इसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अशुद्धि सारी एंट्री याद नहीं करनी पड़ेगी। अशुद्धि सुधार में फर्म को हानि होने पर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा,
और अशुद्धि सुधार में फर्म को लाभ होने पर अशुद्धि सुधार में फर्म को लाभ होने पर पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट होगा होने पर पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट होगा। हालांकि ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल करवा दिए गए हैं, फिर भी एक बार वापस टैली कर रहे हैं। तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितनी अशुद्धियां उतनी प्रविष्टियां, और यदि फर्म को आनी है, देखना फर्म को है, ध्यान रखें पार्टनर को नहीं देखें, फर्म को आनी होगी तो पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट कर देंगे, और फर्म को यदि लाभ होगा तो पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट। इतनी सारी प्रविष्टियां करने के बाद लास्ट में एक जनरल एंट्री निकलेगी कि इन सारी एंट्रियों का रिजल्ट क्या रहा, उस रिजल्ट को पार्टनर में ट्रांसफर करना होगा। और इस रिजल्ट के गणना करने के लिए हम वर्किंग नोट के पार्ट के रूप में एक पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। ये कंपलसरी नहीं है बट सुविधा के लिए बना लिया जाता है, वरना एंट्रियों से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं इन अशुद्धियों को सुधारता हूँ। पहली अशुद्धि थी हमारी पूंजी पर 10% ब्याज का लेखा करना भूल गए। फर्म का ध्यान रखें, जब पूंजी पर ब्याज देते हैं तो फर्म को नुकसान होता है, पार्टनर को प्रॉफिट होता है। हमें देखना फर्म को है तो फर्म को हानि हो रही है, और हानि होने पर पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट होगा। तो यहां मैं एंट्री करता हूं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर में हमारे दो एज कैपिटल और टू बीच कैपिटल अकाउंट। पूंजी पर ब्याज 30 और 20, 50,000 पर 10% 5,000 होता है, ये आ जाएगा 30,000 पर 10% 3,000, ये आ जाएगा 20,000 पर 10% 2,000। तो ये हमारी पहली एंट्री थी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, सुधार करते वक्त एक जगह अगर एडजस्टमेंट आया तो दूसरी जगह पार्टनर कैपिटल आएगा, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल न लिखें। सारे खाते वर्ष के अंत में बंद हो चुके हैं, केवल पार्टनर के कैपिटल के माध्यम से ही समायोजन संभव है। दूसरी एंट्री थी ए को 500 रुपये मासिक वेतन देना भूल गए, तो पुनः फर्म को नुकसान हो रहा है, और नुकसान होने पर पुनः पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 500 रुपये मासिक के हिसाब से करें तो वर्ष के होते हैं 6,000, ये 6,000 रुपये। तीसरी एंट्री थी हमारी ए और बी के आरएम पर क्रमशः 600 और 400 रुपये ब्याज का लेखा करना भूल गए। तो आरएम पर ब्याज फर्म के लिए लाभ होता है, और लाभ होने पर पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट होगा, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे तो ए और बी डेबिट हो जाएंगे एज कैपिटल अकाउंट डीआर बीच कैपिटल अकाउंट डीआर टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। इसके 600, ये 600, इसके 400, ये 400, और ये 1,000 से क्रेडिट। ये थी हमारी तीन अशुद्धियों की तीन एंट्रियां। अभी तक प्रश्न सोल्व नहीं हुआ है, क्योंकि इन एंट्रियों का अंतिम सारांश अभी बाकी है जो हमें पीएनएल एडजस्टमेंट बताएगा। एकदम कॉमन सा कॉन्सेप्ट, ध्यान देवे एंट्रियों से खाते में पोस्टिंग करनी हमारे को आती है, ये उनके टॉपिक में सीखा था। पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट है, पोस्टिंग डेबिट में जाएगी, नाम विपरीत वालों का आ जाएगा। तो इधर टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल अलग अलग करके लिखें, या डायरेक्ट टू पार्टनर कैपिटल करके लिखें तो भी चलता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टू पार्टनर कैपिटल, क्योंकि ये हमारा कोई मेन खाता नहीं है, ऐसे मेमोरेंडम बेसिक है। ये 5,000 रुपये डाल दिए। दूसरी एंट्री में पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट, पोस्टिंग डेबिट, नाम एक आ जाएगा, टू एज कैपिटल 6,000 रुपये। तीसरी एंट्री में पीएनएल एडजस्टमेंट क्रेडिट है, पोस्टिंग क्रेडिट में जाएगी, नाम विपरीत वालों का आ जाएगा, बाई पार्टनर कैपिटल, ये बाई पार्टनर कैपिटल 1,000 रुपये, ये 1,000 रुपये। अब इस खाते को बंद करते हैं, नुकसान हो गया टोटल 11,000 का, और प्रॉफिट हुआ 1,000 का, 11 में से एक गए, 10,000 को वैन करेंगे, कौन हानि को बांटेंगे, बाई पार्टनर कैपिटल। हमारे पार्टनर थे ए और बी, 3 और 2 में, तो ये हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा 4,000। अब लास्ट में इस चीज़ की एक एंट्री उठानी है,
ओके, क्रेडिट से एंट्री उठाते तो खाते का नाम नीचे रहेगा और पार्टनर का नाम ऊपर रहेगा, तो एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट ईआर, बी कैपिटल अकाउंट ईआर, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, छह हजार, चार हजार और 10,000। अभी आपके दिमाग में एक चीज आती होगी कि हमने चर्चा की थी कि उत्तर सेम ही होता है, तो यहाँ तो ये एंट्री निकली थी और वहां अलग ही निकली थी, तो उत्तर सेम ही है, चिंता ना करें, सारी चीजें आपस में कट गई है, पीएनएल एडजस्टमेंट, डेबिट डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट मिलाने से आपस में कट गया है, पार्टनर के डेबिट सेल्स को क्रेडिट सेल्स से मिलाने पर अंत में वही एंट्री खुलेगी जो हमारी पहली विधि से थी। तो स्टूडेंट, मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपके पूर्ण दिमाग में आ गया है, अगर किसी प्रकार की कंफ्यूज या सस्पेंस उत्पन्न होने पर ग्रुप में विचार विमर्श करें और तर्क वितर्क करते हैं, ओके, इसके बाद इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे।